तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। एक रियलमी का फ़ोन है हमारा, रियलमी का फ़ोन है, और वो हमारा फ़ोन हम आपको उसके इंट्रो कराते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, वो सारी चीज़ें आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक रियलमी का फ़ोन आया हुआ है जो कि ये रिस्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये रियलमी का हमारा फ़ोन है जो कि ये रिस्टार्ट हो रहा है। हम इसे आपको दिखाएंगे भी। प्रॉब्लम मैंने भी कोई भी पावर की हमने जैसे प्रेस किया है, ये फ़ोन फर्स्ट लोगों पे आ रहा है, बूट कर रहा है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, रियलमी लिख रहा है और ये देखिए बंद हो गया। अभी फिर से स्टार्ट होगा, मतलब ये फ़ोन कंटिन्यू रिस्टार्ट हो रहा है। तो इसको सोल्यूशन करेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आई होप इसका 100% सोल्यूशन मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में हमारा काम वर्क हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड देख सकते हैं, रियलमी का फर्स्ट लोगो आ रहा है और ये बूट नहीं कर पा रहा है, सेकेंड बूट। तो अभी से हम आपको प्रैक्टिकली तौर से करके दिखाएंगे। हमने इस फ़ोन को डिसेंबल भी कर लिया है। इस फ़ोन को अगर फ्रेंड्स आपको डिसेंबल्स के वीडियो भी देखने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट में करिए कि हमें प्रॉपर एक हर एक फ़ोन का एक डिसेंबल भी बनाइए जिसमें कि हमें बहुत आसानी हो फ़ोन को ओपन करने में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसको प्रॉपरली तरीके से ओपन कर लिया है फ़ोन को। अभी हमारा फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा है, इसके हम सोल्यूशन पे चलेंगे। तो चलिए, वीडियो को हम आगे आपको अपने डेस्कटॉप पे दिखाते हैं इसमें हम क्या-क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, हमने इसको प्रॉपरली, अब इसको हम क्या करना है, इसकी मेमसी को हमने निकाल दिया है प्रॉपरली तरीके से। इसको मेमसी को निकाल दिया फ्रेंड, अब इसको हम प्रोग्राम करेंगे और इसमें देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्यों रिस्टार्ट हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, इसका हेल्थ जो था बैड हो गया था फ्रेंड। तो हमने इसको हेल्थ सही करके इसको प्रोग्राम भी कर दिया है। तो आपको डेस्कटॉप पे भी दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पे सारी चीज़ यहाँ पे आपको। तो फ्रेंड ये देखिए, प्रोग्राम प्रोसेस हमारा हो चुका है कम्प्लीटली। हमारा ये फ़ोन प्रोग्राम हो चुका है क्योंकि इसका हेल्थ था, हेल्थ बैड था, तो हमने हेल्थ इसका सही कर दिया है। 90% इसका कंज्यूम हो चुका था, हेल्थ इसकी सही हो चुकी है। अब इसे एक बार फैक्ट्री सेट करेंगे क्योंकि जब ये हमारा हो जाता है, हमने इसको जब दे देते हैं सारी चीज़ें, फ्लैश फाइल भी दे देते हैं और हमारा डंप भी दे देते हैं जो हमारा मेन होता है डंप फ्रेंड। तो हमने जो डंप भी इसको दे दिया है और उसके बाद हम इसको फैक्ट्री सेट करेंगे डंप, और इसकी एंड्रॉयड फाइल जो होती है वो भी हमने इसको दे दिया है। उसके बाद जैसे ही हमारा फैक्ट्री सेट हो जाएगा तो हम इसकी सिक्योरिटी की फ़ाइलों को देंगे। जो इसकी सिक्योरिटी की फ़ाइलें हैं, जो इसकी नेटवर्क की फ़ाइलें हैं, हम उसकी फ़ाइलों को देंगे फ्रेंड्स विद। तो आप देख सकते हैं, हमारा प्रॉपरली तरीके से हो चुका है कम्प्लीटली। अब यहाँ पे हम जाएंगे और इसकी जो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, जो इसकी नेटवर्क की फ़ाइल है, जो इसकी सिक्योरिटी की फ़ाइल है, हम उसे यहाँ पे देंगे। और क्योंकि अगर ये नहीं देंगे तो इसका सिक्योरिटी नहीं आएगा और इसमें नेटवर्क भी नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी हम अपने यहाँ पे इसकी फ़ाइलों को रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब जो इसकी हमने पहले डंप इसकी ले ली थी, जो इसकी टेस्टेड फाइल, जो इसकी नेटवर्क की फ़ाइल, जो इसकी फ्रेंड मैं बताना चाहूँगी सिक्योरिटी की फ़ाइल थी, मैंने पहले से इसका बैकअप ले लिया था। सारी चीज़ें आपको वीडियो में नहीं दिखाया है, ये सारी चीज़ें स्किप है। और इसके लिए भी आप प्रॉपरली मैंने आपको बता ही दिया है कि हमने इसका हेल्थ कंज्यूम था इसलिए रिस्टार्ट हो रहा था बार बार, मैंने ये पहले ही बता दिया है। तो हमने इसकी प्रोग्राम की है, प्रोग्रामिंग की है, पहले इसका हेल्थ सुधारा है। अब इसको हम फ्रेंड्स प्रॉपरली तरीके से हम इसको इसके सिक्योरिटी फाइल को भी दे दे रहे हैं सारी चीज़ें, आप देख सकते हो फ्रेंड। और आपको यहाँ पे जब हम इसको आईसीओ को फिट करेंगे तो भी आपको हम दिखाएंगे, इसकी मेमसी आईसीओ को जब हम इसको लगाएंगे तो भी आपको हम प्रॉपरली तरीके से दिखाएंगे कि एक्चुअल में काम हुआ है कि नहीं हुआ है फ्रेंड। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट्स करके बताएं कि हमें आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इसके अलावा और आपको क्या चाहिए। उसके बाद जब हम इसके सिक्योरिटी फाइलों को दे देंगे फ्रेंड, तो उसके बाद हमें लास्ट में फिर से एक बार फैक्ट्री सेट करना होता है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, आपका जो यहाँ पर आपने फैक्ट्री सेट कर दिया सारी चीज़ें, फिर आपका यहाँ पर यूज़र एरिया भी शो होगा। ये सारी चीज़ें आपको डीपली में नॉलेज चाहिए तो आप ऐसे टेलीकॉम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है। अब इसको फ्रेंड्स हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे हमारा आईसी एमएमसी जो एमएमसी है उसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं, और वो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप ही करके अपने हमको यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम इसको प्रॉपरली तरीके से इसको लगा रहे हैं, और इसको लगाने के बाद फिर देखते हैं कि हमारा जो फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा था वो एक्चुअल में ऑन हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड। तो देख सकते हैं, हम इसको प्रॉपरली तरीके से इसको एमएमसी को लगा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा ये प्रॉपरली तरीके से ऑन होता है कि नहीं। तो फ्रेंड मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल ही चल रहा है फ्रेंड,
कोई भी फेक वीडियो नहीं है, ये रिस्टार्ट हो रहा था तो इसमें हमने इसकी हेल्थ 90% कंज्यूम हो चुकी थी, तो हमने इसकी पहले हेल्थ सुधारी है, उसके बाद इसको रीप्रोग्राम किया है फ्रेंड्स। तो आपको प्रॉपरली आपने देखा भी रीप्रोग्राम, फिर उसके बाद इसकी सिक्योरिटी फाइलों को भी हमने दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमने इसकी MMC को लगा दिया है, अब सारी चीज़ें आपके सामने ही चल रही है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक तब करें जब आपको लास्ट में देखेंगे कि इसका रिजल्ट कि हमारा ये फ़ोन प्रॉपरली तरीके से ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट में, आप वीडियो को लास्ट तक देखें कि हमारा फ़ोन प्रॉपरली तरीके से डन हुआ कि नहीं हुआ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा प्रोसेस चल ही रहा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी MMC लग चुकी है। अब हम इसको आपको ऑन करके दिखाएंगे कि हमारा फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइनली ये फ़ोन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा स्टक जो बार बार रिस्टार्ट हो रहा था फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन ये कम्प्लीटली प्रोसेस हो चुका है। अब हम इसे चालू करके आपको दिखाएंगे और सारी चीज़ें आपको फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन प्रॉपरली ऑन हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो प्रॉपरली हम इसको बाईपास कर रहे हैं क्योंकि इसमें FRP भी लग सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने जब इसको किया था तो डाटा इरेज कर दिया था। अब यहाँ पे देखेंगे सिंपली बहुत ही इजी तरीके से ये हमारा अनलॉक हो चुका है फ्रेंड्स। ये दो थंब आप देख रहे होंगे, तो इसका हम आगे भी आपको बताएंगे दो थंब किसका है, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली तौर से, सारी चीज़ें तो प्रैक्टिकली नहीं दिखाई है वीडियो में, जो जो मेन टॉपिक था फ्रेंड्स वो हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, जो कि हमारी सिक्योरिटी की फाइल है। हम आपको पूरा तो नहीं दिखा सकते हैं, बट इसीलिए हमने दो थंब फिर से लगाया था कि आपको जो सिक्योरिटी की फाइलें है हमारा विद सिक्योरिटी के साथ आया है। कुछ एरर्स होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जो ऑनलाइन के सेट होते हैं उसमें एक एरर्स आते हैं कि कैमरा नहीं चालू होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।